ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टेस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो, BCR AMIM को, BCR अस्पा को, बस ये सब चीजें जो है ना, ये आंकड़ा बनके सुंबुल राणा यानी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वोट कटे हैं क्योंकि ये आपस में बटे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 30 पे भी पहुंच सकते थे, क्योंकि जिस वक्त ये ककरोली में ये वो हंगामा हुआ, पथराव हुआ, पथराव के बाद वो पिस्टल वाला जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से वोटर्स जो है मुस्लिम वोटर्स वो एकजुट हो गए कि मुस्लिमों की जो वोट है वो ध्रुवीकरण होगा जरूर। और जब प्रत्याशियों की घोषणा हो गई, एक तरफ चार मुस्लिम कैंडिडेट थे, एक तरफ से रालोद की तरफ से मिथिलेश पाल थी, तो लगातार यही बात हो रही थी कि ध्रुवीकरण होगा। और आज जब हम यहाँ मतगणना स्थल पर हैं, जो मिथिलेश पाल हैं वो जीत चुके हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर NDA से लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने एक बड़ी जीत हासिल की है। लगभग 25,000 के आसपास से उनकी जीत होना तय है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। यहाँ के पत्रकार हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव के अंदर क्या ऐसा हुआ है जो सपा को इतनी बड़ी मुंह की इस उपचुनाव में खानी पड़ी है। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर जी, क्या लग रहा है कि इस चुनाव में जो स्थिति बनकर आई है, 25,000 वोटों से अधिक मिथिलेश पाल जीत रही हैं यहाँ, सर क्या स्थिति लगी है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ? देखिए, हमने उस दिन भी आपको कहा था, जिस दिन चुनाव था वो बिखराव तय है, वो हुआ। और जो अति पिछड़ा और वैसा वर्ग था वो सब एकजुट हुआ, 25,000 वोटों के करीब जीत हुई। हमने उस दिन भी कहा था कि एक तरफा जीत लगभग मानी जा रही है, घोषणा बाकी है, बस 25,000 की औपचारिकताएं बाकी बची हैं। और आप देख लो, AMIM का जो प्रत्याशी था, कितनी वोटें उसने ली हैं देख लो, तो बिखराव तो हुआ। उधर आजाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी थे, उन्होंने भी यहाँ पर बिखराव करने की कोशिश की है। हाँ, बिल्कुल। और यानी कि क्या कहें कि एक तरफा ये जीत चुनाव के दौरान जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने जो देखा था, ये एक तरफा दिखाई दे रही थी उस समय भी। हाँ, बिल्कुल एक तरफा। उस दिन भी हमने कहा था कि 3 जगह वोट बटेगा, बटा है। आप देख लो आजाद समाज पार्टी को भी कितनी अच्छी वोट मिली यहाँ प्रत्याशी को उनके। मतदान के दौरान जो आरोप लग रहे थे पुलिस प्रशासन पर, और जो पार्टियाँ विपक्षी पार्टियों की जो बयानबाजी सामने आ रही थी, क्या लगता है कि उसका असर कुछ है, या फिर सही तरीके से चुनाव हुआ है और उसका निर्णय सामने आया? अब सही चुनाव के तो इस तरीके से कहेंगे कि क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे थे, वोट नहीं डलने दिया, वोट नहीं दिया। अब आप लगा लो आसपा के प्रत्याशी लगभग 20,000 से ज़्यादा वोट उसको मिल गए, और ओवैसी के प्रत्याशी को लगभग 20,000 से ज़्यादा वोट उसको मिल गए, यानी कि 40,000। अभी वो बिखराव, अगर 40,000 उधर वोट पड़ता तो आमने सामने की बात होती। ये तो अब कयास है, अब पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है इसमें। दीपक, आपको क्या लग रहा है कि आज का जो चुनाव NDA प्रत्याशी यहाँ से जीती हैं, किस तरीके का माहौल रहा है वोटरों का, जो ये वोट बटे हैं मुस्लिमों के, क्या लगता है क्या स्थिति रही है चुनाव के अंदर? योगी जी ने भले ही नारा दिया हो कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस विधानसभा में आपस में मुस्लिम कैंडिडेट बटे हैं, उनके वोट कटे हैं, तो स्थिति इसलिए साफ हो गई थी उसी दिन भी। और दूसरा जो हुआ था, स्थिति ये बनी थी कि मुस्लिम वोटर्स को मत डालने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, इस तरह के आरोप थे, तो वहाँ भी ये स्थिति क्लियर हो गई थी। अगर मुस्लिम वोटर्स को रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदू प्रत्याशी जो है उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता दिख रहा है, तो ये स्थिति तो उसी दिन क्लियर हो गई थी। आज मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, ये आंकड़ा निकला है ना, जीत का आंकड़ा निकला है, ये कोई जादू ही नहीं है, बढ़ सकता था। अगर मुस्लिम मतदाता आपस में सामंजस्य बैठा के किसी एक कैंडिडेट को मुस्लिम को खड़ा कर देते हैं, सारे वोट सिमट के, जैसे रविंदर जी ने कहा है कि BCR AMIM को, BCR अस्पा को, तो बस ये सब चीज़ें जो है ना, ये आंकड़ा बन के सुंबुल राणा यानी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वोट कटे हैं क्योंकि ये आपस में बटे हैं, तो स्थिति इतनी विकट थी कि आप ये देख लीजिए कि BSP को तो बिल्कुल मुँह की खानी पड़ी। आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी BSP से ज़्यादा वोट ले गया, यानी कि BSP का जो वोट बैंक था वो कैसे कन्वर्ट हुआ है, इसमें भी अब मायावती को मंथन करना होगा। उपचुनाव में खड़ी नहीं होती थी, लेकिन खड़ी हुई है, तो उसका नुकसान देखने को मिला। ये कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी को, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद को, ये उपचुनाव लड़ने के बाद में ये तय हो गया है कि बसपा से ऊपर अब आज़ाद समाज पार्टी को दलित पसंद कर रहे हैं। देखिए, सांसद का चुनाव जब उन्होंने लड़ा तो पूरी अपनी आसपास की बेल्ट उन्होंने अपनी उस लोकसभा में लगा दी थी, जीत गए। विधानसभा में उपचुनाव में उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, तो ये समझ लीजिए कि 27 में वो और मजबूती के साथ अगर मैदान में आते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं, तो आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में दलितों की पक्ष की बहुत बड़ी पार्टी कही जाएगी। और दस्तक जो कहना, रविंदर जी बता रहे हैं कि दस्तक जो दी है ना, ये एक
ये कह लीजिए कि दमदार तरीके से उन्होंने एंट्री मारी है और विधानसभा में बहुत अच्छे मार्जिन से ये हो सकता है कई सीटों पर हाथ साफ भी कर जाए। अब इनसे जो अन्य पार्टियां हैं गठबंधन की आजाद समाज पार्टी से चर्चा करेंगी कि आजाद समाज पार्टी को अगर गठबंधन में ले लाए तो दलित वोट कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को इस उपचुनाव में फायदा होता मिला है, अमित क्या लग रहा है चुनाव में क्या हुआ है, क्या स्थिति रही है वोटरों की, बड़ी जीत एक कहेंगे एनडीए प्रत्याशी की? देखो संदीप भाई, मैंने उस दिन भी कहा था कि वोट बट रहा है इनका और निश्चित तौर पर वोट बटा है तभी इतनी मोटी उनको जीत हासिल हुई है। अदरवाइज आप देखो कि जो आजाद समाज पार्टी के उनको भी 20+ है, आपका AIMIM जिसको लोग कहीं तक भी आंक नहीं रहे थे और मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये आदमी 15-20 हज़ार वोट लेके जाएगा और नतीजा भी यही हुआ। ओबीसी के आने के बाद जादू चला है? बिल्कुल चला है, उससे पहले ही चल रहा था वो दीवानगी। हमने जो इनके जो वोटर्स है जो युवा है वो दीवानगी हमने ओबीसी के लिए देखी थी ना, तो उसका असर ये देखने को मिला है कि आज वो 20+ में है। अगर आप मोटे तौर पर ये कह देना कि जो वोट इसको गया है AIMIM को, अगर वो वोट संबुल राणा के पास में चला जाता इंडिया गठबंधन, तो आज बड़ा मुश्किल हो जाता इनको जीतने के लिए। ये वोट मैं पहले से कह रहा हूँ कि वोट बटा है और रही सख्ताई की बात पुलिस की सख्ताई कि वोट नहीं डालने दिया गया बैरिकेटिंग निश्चित तौर पे की, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं कल भी कह रहा था, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस चीज़ को कि हमने खुद देखा है। अब आप ये लगाइए कि 20-25 हज़ार वोटों से मित्रेश पाल जीती है लगभग, घोषणा बाकी है। हाँ घोषणा बाकी है, अगर उनको रोका नहीं जाता और बंटवारा नहीं होता तो आज की स्थिति क्या होती आप खुद अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। क्या लगता है कि अगर उन्हें रोका नहीं जाता, आपने कहा कि उन्हें रोका गया है वोट डालने के लिए मुस्लिम समाज को, अगर उन्हें रोका नहीं जाता और पूरा वोट उनका पड़ता तो क्या लगता है फिर भी बिखराव होता, उसका फायदा मित्रेश पाल को मिलता या एकजुट होकर मुसलमान के? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलता। जो 20+ हुआ है ना इस बार AIMIM का, तो मुझे लगता है कि ये 30 पे भी पहुंच सकते थे, क्योंकि जिस वक्त ये ककरोली में ये वो हंगामा हुआ, पथराव के बाद वो पिस्टल वाला जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से वोटर्स जो है मुस्लिम वोटर्स वो एकजुट हो गए और टोटल उन्होंने सपा के समर्थन में अपना वोट डाला है। 3 बजे के बाद, 1 बजे के आसपास आप मान लीजिए कि 1 बजे से ना स्थिति जो है ना बहुत डामाडोल होना शुरू हो गई थी मुस्लिमों के पक्ष की, क्योंकि जब पहले तक जो झोजा समाज है, झोजा समाज की 52 हज़ार वोट है, तो झोजा समाज दो में बट रहा था, असपा में और बसपा में, क्योंकि बसपा की तरफ से भी मुस्लिम ही है, असपा की तरफ से भी मुस्लिम ही है, तो दोनों का वोट वहाँ पर बट रहा था झोजो का। फिर आप आ जाइए आपका अरशद राणा AIMIM के, तो वो भी अपना वोट लेके जा रहे, तो स्थिति तो संबुल राणा की पहले से ही डामाडोल थी, इनको ये करने की जरूरत ही नहीं थी, जीत तो निश्चित थी, बस ये है कि आंकड़े शायद ऊपर नीचे हो सकते थे। आज 25 से है तो हो सकता था 50 से भी हो सकता था, यानी कि ये तय है कि जीत यहाँ से एनडीए प्रत्याशी की थी। जीत निश्चित थी, इन्हें इतनी सख्ताई करने की जरूरत ही नहीं थी। अमित क्या कहोगे इन आंकड़ों के बारे में, 25 हज़ार से अधिक एनडीए प्रत्याशी यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है, क्या कहोगे कि किस तरीके से मुस्लिम मतदाता बिखरा है, या फिर ये कहें कि चंद्रशेखर और ओवैसी ने आकर के यहाँ पर खेल बिगाड़ा है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, देखिए ओवैसी का यहाँ पर बड़ा जादू चला है, क्योंकि ओवैसी ने ऐसा माहौल यहाँ पर बनाया है, 17 हज़ार से ज़्यादा वोट AIMIM का जो प्रत्याशी है वो ले चुका और वो एक बड़ा फैक्टर है, वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के वोट जो है उसने काटी है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को उसने दिया है। सबसे बड़ा फैक्टर तो ओवैसी का ही यहाँ पर समझिए जो एनडीए प्रत्याशी को जीत दिलाने में रहा। दूसरा जो है मुस्लिम वोटर भी जो है बिखरा हुआ है, क्योंकि सभी कैंडिडेट मुस्लिम लोग जो है मैदान में थे और उन्होंने वोट आज़ाद समाज पार्टी हो चाहे बसपा हो या अन्य दूसरी पार्टी हो, सभी में जो है मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में थे, उन्होंने वोटों को जो है बिखराव में जो है लिया है, तो एनडीए को जो है सीधा सीधा उसका प्रभाव मिला है। तीसरा जो है योगी के जो बयान थे कटोगे बटोगे वाला जो माहौल बनाया था, उसका भी कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व में जो है उसका जादू चला है, क्योंकि हिंदुत्व के लोगों ने उसको जमकर समझा और उसके प्रति वोट भी किया। कुलदीप क्या लग रहा है कि जो चुनाव में जो सुनने को मिल रहा है जिस तरीके से पथराव हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था और आरोप लगे थे विपक्षी के कि वोटरों को वोट डालने से रोका गया है,
क्या कहें कि वो जो पुलिस पर आरोप लगे थे क्या वो सत्य थे, उसी की वजह से ये रिजल्ट रहा है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसने भी वो वीडियो वायरल की थी वो आधी अधूरी वीडियो वायरल की थी, जो बाद में पता लगा कि दो पक्षों में विवाद था, दो पक्षों में विवाद के बाद पुलिस समझाने गई, उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया, जिसके चलते जो थाना प्रभारी थे, ककरू थाना प्रभारी थे, उन्होंने अपनी पिस्टल भी निकाली और मामला शांत कराने की कोशिश करी। उसके बाद में लोगों ने जो अपने फ़ोटो लेकर ट्वीट पर किया है कि ये वोट जो महिलाएं वोट डालने जा रही है उनको रोकने के लिए बात कर रही है, हालांकि उसके बाद में एक माहौल सा पैदा हो गया जिसके बाद में जो लगातार ट्विटरबाजी शुरू हुई थी, जिसके चलते जो मुजफ्फरनगर डीएम थे उमेश मिश्रा उनको भी मौके पर जाना पड़ा और वहां पर जाकर लोगों से वोट डालने की भी अपील की गई, जिसके चलते सीकरी हुआ। पूरे इंसिडेंट का क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ा था? देखो मैं आपसे बताना चाहूँगा, हालांकि जो प्रोपगंडा ये वहाँ पर जिस समय हुआ था उसके बाद में जो अलग अलग प्रत्याशियों से वोट जा रही थी वो सिर्फ सुब्बुल राणा यानी जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थी उन पर चली गई थी सारे वोटें, नहीं उससे पहले जो वे वोट थी उन वोटों में बिखराव था। जी मिश्रा जी, आशुतोष क्या कहेंगे कि आप बिखराव बड़ा हुआ है मुस्लिम में? देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी हम लगातार उसी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों की जो वोट है वो ध्रुवीकरण होगा जरूर, और जब प्रत्याशियों की घोषणा हो गई एक तरफ चार मुस्लिम कैंडिडेट थे, एक तरफ से रालोद की तरफ से मिथिलेश पाल थी, तो लगातार यही बात हो रही थी कि ध्रुवीकरण होगा। और आज जब हम यहाँ मतगणना स्थल पर हैं, जो मिथिलेश पाल हैं वो जीत चुकी हैं, लगभग 25,000 प्लस वोटों से उन्होंने यहाँ जीत हासिल किया, अभी औपचारिकता बाकी है, बस अभी थोड़ी देर में उनकी घोषणा हो जाएगी। तो यहाँ भी हमने यही चीज़ देखी है, देखो वो ध्रुवीकरण जो है क्योंकि अमीम पार्टी के पास लगभग 20,000 प्लस वोटें गई हैं, जो आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है जाहिद हसन उनके पास भी लगभग 18-20 हज़ार के आसपास वोटें गई हैं, समाजवादी पार्टी है वो दूसरे नंबर पर रही है, उनके पास भी काफ़ी संख्या में वोट गई हुई है। तो जो ध्रुवीकरण था वो ध्रुवीकरण में यहाँ देखने को मिला, और इसी ध्रुवीकरण की हम बात करें, अगर ये ध्रुवीकरण नहीं होता तो शायद हो सकता था कि यहाँ के जो नतीजे हैं वो कुछ अलग होते, कुछ बदले हुए होते। क्या कहें, चंद्रशेखर और ओवैसी फैक्ट यहाँ पर चला है चुनाव में? हाँ बिल्कुल ही, मैं ये कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी जो अपना उनका जो कोर वोटर है मुस्लिम उसको बांधने में यहाँ नाकामयाब रही है, उनको एकजुट करने में नाकामयाब रही है, और वो जो बिखराव था उस बिखराव को वो रोक नहीं पाई, वो बिखराव उसी तरह से हुआ है, हालांकि बीच में एक जरूर कहा गया कि भाई रोका गया है, वोट नहीं डालने दी गई, लेकिन इस तरह का ऐसा कुछ मतदान के दिन नहीं था, ध्रुवीकरण हुआ है, वोट डली है, और वोट डलने का ही नतीजा ये है कि एक तरफ मुस्लिमों की जो वोट बैंक है वो हमें 20-20 और समाजवादी पार्टी के पास भी हमें अच्छी खासी संख्या में दिखाई दे रहा है। रविंदर जी क्या कहेंगे कि बसपा का इस उपचुनाव में कोई वजूद कहीं देखने को मिला? हाँ बसपा का? नहीं बसपा तो धराशायी, आप देख लो पांचवें नंबर पर पहुंच गई, बसपा का वजूद नहीं है। जैसी चंद्रशेखर की पार्टी ने एंट्री दिया, दस्तक दिया, ये तो एक संदेश है, मैसेज है। जो वे चाह रहे थे दलित और मुस्लिम का गठजोड़ करना, जिस तरीके से उन्होंने नगीना में चुनाव जीता है, तो क्या कहें कि वो फैक्टर उनका यहाँ पर चला है? कुछ हद तक चला है बसपा के मुकाबले चला है कुछ ना कुछ। क्या कहें कि उनका ये फैक्टर आने वाले 2027 के चुनाव में जो अन्य पार्टी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा करने का काम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चिंता हर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके चेहरे पर शिकन तो खींचने के लायक ये प्रदर्शन है ही चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का, और 27 के चुनाव में हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए, वो भविष्य की बात है। तो सुना आपने, यहाँ के पत्रकारों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो उपचुनाव मीरापुर विधानसभा सीट पर हुआ है उस पर मुस्लिम समाज के वोटरों का बिखराव हुआ है, और साथ ही ओवैसी और चंद्रशेखर का यहाँ फैक्टर जमकर चला है, जिसकी वजह से बसपा यहाँ पांचवें नंबर पर रही है। ये कहें कि बसपा का पूरी तरीके से एक तरीके से कोई वर्चस्व ही इस चुनाव में नहीं देखने को मिला है। इतनी बड़ी जीत NDA प्रत्याशी की यहाँ पर होना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि सपा और बस लोकदल प्रत्याशी के बीच में जो टक्कर होगी तो बहुत कांटे की होने वाली है, लेकिन ये जीत एक तरफा ही आज मतगणना के दौरान देखने को मिली है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।